उधर गुरुग्राम के सेक्टर 77 में स्थित विंटर हिल्स सोसाइटी में 500 परिवार मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। लोगों के को न पीने का पानी मिल रहा है, न पक्का रास्ता है, न ही अन्य कोई सुविधा यहां मौजूद है, जिसको लेकर लोगों का धरना जारी है। खबर फास्ट की टीम ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं मानेसर के सेक्टर 77 में, जहां पर विंटर हिल्स सोसाइटी है। 500 परिवार उस सोसाइटी में रहते हैं। जरा सोचो, अगर आपने आशियाना लिया हो, वहां पर पानी, बिजली और सड़क के वहां पर लाले पड़ जाए, तो आप देख सकते हैं तमाम वो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जहां पर 500 परिवार यहां पर आशियाना में रहते जरूर हैं, लेकिन अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो शायद खुद पैसे लगाकर वो यहाँ पर जो पानी है पीने का वो ले रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताऊ जी, आपने जो विंटर हिल्स में सोसाइटी में फ्लैट लिया है, कब से आप रह रहे थे और क्या क्या समस्याएं हैं? ऐसा जी, हमें 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। एक बार तो हमारी गाड़ी बीच में फंस गई और पानी चला गया, गाड़ी बैठ गई, इंजन बदलवाना पड़ा और गाड़ी होने पड़ने भाव बेचनी पड़ी। ये हाल है। और हम बुजुर्गों को ये ठुड्डे लग जाते हैं, गिर जाते हैं, हम कोई उठाने वाला भी नहीं होता। ये हाल है। बिल्डर कौन है जिसके खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं, अनशन बैठे हैं? उमंग विंटर हिल का। उमंग? हाँ, उमंग विंटर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर 500 परिवारों का जो ये है जो अनशन पर बैठने के मजबूर हो गए हैं। महिलाएं भी, उनसे बात कर लेते हैं, कितने 2-3 साल हो गए हमें रहते हुए। पानी की समस्या भी है, लाइट की समस्या भी है, क्या आप किसी अधिकारी से मिले? हाँ जी, हमने जितने भी अधिकारी इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उनसे बार बार मिल रहे हैं। पिछले 2 साल से हम धक्के खा रहे हैं, पर हर अधिकारी से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, हो जाएगा हो जाएगा। एक तरफ से बिल्डर परेशान है, दूसरी तरफ से हम प्रशासन से परेशान हैं। हमारे साथ में सुंदरलाल यादव सरपंच भी हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार बिल्डरों की मनमानी आती रही है। चिंदल सोसाइटी में हादसा हुआ, उसके बाद भी जो अलग सोसाइटियों के मामले सामने आए हैं, बिल्डर पर कार्रवाई होगी वो बाद की बात है, प्रशासन से मिले हैं, आगे कार्रवाई क्या है? देखिए, बिल्डर पर कार्रवाई हो और होनी भी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन फिलहाल तो जो ये बुज़ुर्ग, जो बच्चे, नौजवान साथी जो इतने इतने पैसे लगाकर बैठे हैं, उनके रास्ते का समाधान हो। सबसे पहले तो बारिश का मौसम है, अब यहाँ 2 दिन पहले के हालात देखते तो स्थिति बहुत डरावनी थी। कोई हादसा हो जाए चिंटल की तरह, खुदा न खास्ता कोई सोसाइटी में, तो यहाँ तो आदमी साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी तो दूर की बात, एम्बुलेंस तो दूर की बात, यहाँ पैदल नहीं जा सकता आदमी। तो निश्चित रूप से सरकार ने लाइसेंस देने से पहले सोचना चाहिए था कि भाई जब इतना बड़ा है। आप से किसकी लापरवाही मानते हैं, बिल्डर की लापरवाही है, सरकार की है जिन्होंने ओसी दी है, या ये जो 500 परिवार रहे हैं इनकी कमियां हैं कि यहाँ पर इन्होंने प्लाट नहीं लेने चाहिए थे, आशा नहीं लेने चाहिए थे? 500 परिवार ने तो अपनी उम्र भर की पूंजी यहाँ लगा दी। जब एक 18-20 साल 22 साल का व्यक्ति जब उसके सर पे काले बाल होते तब से कमाना शुरू करता है, और गुड़गांव जैसे शहर में एक घर बनाने के लिए जब वो रिटायरमेंट हो जाता है 58 साल की उम्र में, तब तक उसी एक मकान का कर्जा उतारता रहता है। तो निश्चित रूप से इसमें गलती सरकार और बिल्डर की है। तो गुड़गांव जैसे शहर में स्कूल अगर आपको ये कहे कि हम आपके बच्चे के लिए बस नहीं भेजेंगे, तो उसका क्या आप समझ सकते हैं? अब इसके अंदर भी हमारी गलती है नहीं है। आज जैसा कि अभी आपने बोला कि हमारे जितने भी भाई साहब, बहनें वगैरह सब हैं, हम सब आज सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत गलत होंगे। ये बिल्कुल चेतावनी जरूर दे दी है सरकार को, लेकिन आठपुर के प्रधान भी यहाँ पर बैठे हैं। धर्मवीर जी, जब भी कोई अनशन होता है या कोई भी शिकायत आती है तो आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, ये लापरवाही की है बिल्डर ने और आज चेतावनी भी दी है सरकार को, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ के बिल्डर से बातचीत करके इनका समाधान किया जाए? देखिए, बिल्डर से तो बातचीत है लोगों की, इसमें जो मैं सबसे ज़्यादा गलती मानता हूँ डिपार्टमेंट की है और सरकार की है। जब बिल्डर को लाइसेंस दिया गया तो लाइसेंस और उसके बाद में ओसी देना सरकार का काम था, सरकार उसको होल्ड कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। उन्होंने बिल्डर से क्या मिली भगत की, क्या किया, वो सबको मालूम है। यानी मिली भगत का मामला बता जा सकता है, पर जो अनशन पर बैठे लोग हैं, जो हाहाकार मचा रहे हैं, उनको उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है और ये भी कहा है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे के लिए हम यहाँ पर बच्चों समेत यहाँ पर अनशन में बैठेंगे। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं सूरजवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम।